अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक। एक मामले के उत्ते तुहाडे नाल गल करनी सी, ते उस हवाले नाल एक छोटी जी वीडियो मैसेज देना चाह रहा हूँ। रोहिल असगर साहब का एक बयान आया सी एक दो दिन पहले, और उन्होंने जिहड़ियां गालां ने गाल है उसनू पंजाबी कल्चर का हिस्सा दसिया, और फिर उस नू लै के ते एक टीवी चैनल भी है उहदे उत्ते बकायदा डिबेट इस तरह की करवाई गई। उहदे उत्ते जिहड़ा एंकर सी उह वी दस रहा कि जिहड़ा डंडा है और गालां वगैरह ने झगड़ा है, और इह वी जिहड़ा है एक कल्चर है बड़कां। तो हुण रब जाने, मैनू नहीं पता कि उहने अगर शान दीआं कोई फिल्मां वेखियां ने उहनू वेख के उहनू लगदा है कि पंजाब दा कल्चर है, या सुल्तान राय दीआं फिल्मां देख के तो उहनू लगदा है कि पंजाब दा कल्चर है। हालांकि सब नूं पता है कि फिल्मां जिहड़े डायलॉग ये चीज़ां जिहड़ियां हुंदियां ने ये सारे मसाले हुंदे ने सिर्फ लोगों नूं एक चीज़ दे दिखाउण लई, एक कमर्शल ये चीज़ हुंदी है। अल्लाह जाने किहड़ा कल्चर उहने देखिया जिहदे विच डंडे ने या सोटे ने, और फिर वह फरमाउंदे ने नाल कि जिहड़ी जनाब साडे कल्चर दे विच कंड ना लगे ये एक बड़ी जरूरी चीज़ है। किसी भी मुआशरे दे विच चले जाओ, मुकाबला मुकाबलेबाजी हर मुआशरे दे विच हुंदी है, हर कल्चर दे विच हुंदी है। तुसी किसी भी होर जाओ, तुसी जिहड़े ओ भरा, मैं उहनां दा नां नहीं लैणा चाहुंदा, वो कह रहे सन कि कंड जिहड़ा साडा कल्चर उहदे विच कंड नहीं लगण देंदे। ते कंड ते जनाब तुसी दूजे किसी सूबे च चले जाओ, उहनां दे नाल तुसी जाके कोई बहस कर लो, कोई भी मुकाबला कर लो, तो कंड ते वह भी नहीं लगण देणगे अपनी। लेकिन देखो, चोरी करना, डाका मारना, झूठ बोलना, गालां कढ़ना, एक किसी भी मुआशरे का हिस्सा हो सकता है। मुआशरे दे विच लाजमी गल है, तुसी जिंदगी गुजार रहे हो, मुआशरे का हिस्सा है कि पॉजिटिव चीज़ां दे नाल नाल नैगेटिव चीज़ां भी मुआशरे दे विच चलदियां ने, लेकिन तुसी उसनू अपने कल्चर का हिस्सा नहीं कह सकते। क्या अरबी जबान दे विच गालां नहीं, अरबी गालां नहीं कढ़दे? या लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक दूजे को मारते नहीं, उत्थे क्या डकैतियां नहीं होंदियां, चोरियां नहीं होंदियां? या अमेरिका टुर जाओ, गोरे ने, क्या अंग्रेजी जबान च गालां नहीं होंदियां? लेकिन कोई भी उन्हां विचों बंदा ये नहीं कहता कि जनाब ये जिहड़ियां माड़ियां चीज़ां ने ये साढ़े कल्चर का हिस्सा है। रोहिल असगर साहब नूं होना तो यह चाहिए सी कि वह स्लिप ऑफ टंग, या कहिंदे कि यार नहीं पता लग्या मूँह बोलन लग्या, तो मैं माजरत चाहना, मैं ये नहीं कहना चाहता सी। लेकिन वो की होया कि एक होर टीवी चैनल के उत्ते जिस वेले उन्हां दा बयान लिया गया, जामी साहब है ने, उन्होंने बड़ा वधिया उन्होंने गलबात की जामी साहब ने, और मैं उन्होंने एप्रीशिएट करदा इस गल दे उत्ते। लेकिन रोहिल असगर साहब फरमाते हैं कि जनाब ये साडा कल्चर है, और तू कोई लखनऊ तू आया है? भाई हक गल करना, अगर तुसी अपनी गलत गल दे उत्ते अड़ जाते हो, ये एक उस तो भी वड्डी गलती है। अपनी गलती नूं मन लेना चाहिए कि मेरे को गलती हो गई है। तो ये बड़ी एक ज्यादती है कि असी जिन्हां लोगों को वोट पाने जिहड़े लोग साडी नुमाइंदगी करते हैं पार्लीमेंट की या असैम्बली के अंदर, तो उत्थे जाके उस साडी नैगेटिव नुमाइंदगी करते हैं, तो यह बड़ी माड़ी गल है। हुण बाबा बुले शाह ने उन्हां दी तुसी किताब पढ़ो, जाके उन्हां दी पोएट्री वेखो, शायरी वेखो, किधरे को तुहानूं कोई गाल नज़र आउंदी है, कोई माड़ी गल नज़र आउंदी है? वारस शाह उन्हां दा जाके तुसी कलाम पढ़ो, किसी जगह पर कोई माड़ी गल तुहानूं नज़र आउंदी है? और इस तरह मियाँ मुहम्मद बख्श साहब का तुसी कलाम पढ़ो। यार मैनू नहीं समझ आउंदी कि ये जिहड़ी साडी नुमाइंदगी करन वाले लोग ने, ये पता नहीं किहड़े कल्चर नूं जाके उत्थे जाके पंजाबी कल्चर दे नाल जोड़दे ने। एक पढ़िया लिखिया बंदा होना एक वख गल है, और बाशऊर होना एक वख गल है। और मैनू तो लगता है कि इहदे पिछे एक बड़ी सोची समझी साजिश जिहड़ी है वह एक रची गई है कि जनाब लोगों नूं किसे पुठे पासे ला दिओ। हुण टीवी चैनल दे उत्ते बह के अगर बंदा एक पंजाबी कल्चर नूं या किसी भी कल्चर नूं, देखो असी माड़ा किसी भी कल्चर नूं नहीं कहिंदे, असी तो किसी कल्चर नूं माड़ा नहीं कहिंदे, क्योंकि हर कल्चर दे अंदर चंगे लोग भी हुंदे ने, माड़े लोग भी हुंदे ने, नैगेटिव चीज़ां भी हुंदियां ने, पॉजिटिव चीज़ां भी हुंदियां ने। लेकिन किसी एक चीज़ नूं लै के अपने कल्चर की नुमाइंदगी करवा देना कि जनाब असी चोरियां करदे आ ये साडे कल्चर का हिस्सा है, असीं डाके मारने आ ये साडे कल्चर का हिस्सा है, ये किन्नी माड़ी गल है कि तुसी एक मनफी चीज़ नूं लै के अपने कल्चर की तुसी नुमाइंदगी कर रहे हो।
और टीवी चैनल तुसी देख लो, किसी थां ते कोई पंजाबियों के हवाले नाल कोई डिबेट ही नहीं करते, कोई पंजाबी कल्चर के हवाले नाल कि यार आखिर को पता तो करो कि कल्चर है की, इस हवाले नाल बस गल वाली चीज़ को डिस्कस करी जा रहे हैं। कोई बाबा बुल्ले शाह डिस्कस नहीं कर रहा, कोई वारिस शाह डिस्कस नहीं कर रहा, कोई मियाँ मुहम्मद बख्श साहब न डिस्कस नहीं कर रहा। और दूसरी फिर एक होर गल है कि मैं ये समझ नहीं आती कि असी सिर्फ ये जो साडा लहिंदा पंजाब है, जो मगरबी पंजाब है, जो पाकिस्तानी पंजाब है, तुहानू पता है कि जनाब ये नाल ही बार्डर के परले पासे भी एक पंजाब है। क्या असी जिस वेले गलां दी या ये गल करते हैं तो क्या उन्हां दी असी नुमाइंदगी नहीं करते? या फिर कनेडा दे विच तुसी देखो कितने पंजाबी उत्थे बैठे ने, क्या उन्हां दे दिल नहीं दुखी होए होणगे, उन्हां नूं तकलीफ नहीं हुई होएगी? पूरी दुनिया के पंजाबियों के तुसी दिल तोड़े ने। तुसी इत्थे एक गल करके तुसी समझदे हो कि बस कैमरे के सामने गल कर दी तो बस गल मुक गई। तुहाडी वजह तों 12 करोड़ पाकिस्तान दे पंजाबी और फिर दुनिया दे विच जितने पंजाबी ने सारिया के दिल टुटे ने। सब नूं इस गल दे उत्ते दुख होया है कि देखो साडी नुमाइंदगी जिथे ज़्यादा पंजाबी ने उत्थे साडी नुमाइंदगी किस तरह की जा रही है। और मैं उम्मीद करदा कि जिहड़े जिहड़े भी लोग ने पंजाब या पंजाबीयत दे हवाले नाल अगर कुछ सीखना चाहते ने तो वो जनाब रोहेल असगर साहब नूं ना देखण, वो जिहड़े वो टीवी चैनल का एक एंकर सी ना उहदी गल नूं ना सुनन, बल्कि अगर तुसीं पंजाब का कल्चर पढ़ना है, पंजाब की रहतल बारे तुसीं जानकारी लैनी है तो तुसीं साडे जिहड़े सूफिया कराम ने तुसीं उन्हां दे बारे तुसीं पढ़ो। और ये भी तो देखो कि पंजाब के अंदर पंजाबी जबान जिहड़ी है ये साडे सिख जिहड़े भरा ने उन्हां दी मजहबी जबान भी है, उन्हां दी मजहबी जबान है तो उन्हां नूं भी तकलीफ होई होगी। लाजमी गल है कि पंजाबी जबान या पंजाबी कल्चर नाल तुसीं किस चीज़ नूं जोड़ रहे हो। बाबा गुरु नानक दी तुसीं किताब पढ़ो, किसी थां ते भी तुहानूं लगेगा कि कोई नैगेटिव कोई चीज़ एक छोटी मोटी कोई भी कदी भी नहीं हो सकता। ते मेरे भराओ अकल नूं हाथ मारो, और अगर तुसीं पंजाबी कल्चर जिहड़े टीवी चैनलों के उत्ते बैठे कोई अगर कोई गल करता है तो मेहरबानी फरमा के रोहेल असगर साहब के लाचे नूं ना देखो, उन्हां दे सिर ते अगर पगड़ी पा के आ जांदे ने तो इस चीज़ नूं ना देखो। जिवें डॉक्टर जाकिर नायक साहब कहिंदे ने ना कि अगर तुसीं इस्लाम नूं देखना है तो तुसीं ये ना देखो कि असी किस तरह दे आं, तुसीं किताब पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। तो इस तरह कि अगर तुहानूं पंजाबीयत या पंजाब बारे भी जानकारी लैनी है तो तुसीं किताब नूं पढ़ो, बाबा बुल्ले शाह नूं पढ़ो, वारिस शाह नूं पढ़ो, तुहानूं पता लगे कि किस तरह का लिटरेचर पंजाबी जबान विच मौजूद है, किस तरह के इंटलैक्चुअल लोग पंजाब के अंदर या पंजाबी दे विच मौजूद ने। बहुत मेहरबानी।